हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग अब चलेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 14 पे। आगे हम लोगों ने टॉपिक देख लिया था नॉर्थन प्लेन और ईस्टर्न हिमालयन रीजन देख लिए थे। आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो ये प्लेट्यू क्या होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, हमारे इंडिया के अंदर हमको कितने टाइप के प्लेट्यूज दिखाई देते हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो चलिए पहले आपको थोड़ा सा बता दूँ प्लेट्यू होते क्या हैं। तो देखिए दिया हुआ है, दिस इज़ द ओल्ड रीजन ऑफ इंडिया। दिस रीजन अपियर्स एज एन इन्वर्टेड ट्राइंगल। इट्स एवरेज हाइट इज़ अबाउट 600 to 900 meters। एंड इट इज़ अ वन काइंड ऑफ माउंटेन जैसे ही होते हैं, पर इनकी हाइट क्या होती है, 600 to 900 meters जितनी होती है। और किस शेप में होती है, लोग ट्राइंगल शेप में होते हैं। ओके, इट्स नॉर्थन पार्ट स्लोप टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट विच इज़ एविडेंट फ्रॉम द फ्लो ऑफ चंबल शन एंड दामोदर रिवर। यानी इसके एग्जाम्पल ऐसे कुछ दिए हुए कि हमारे इंडिया में जो ये फॉर्म हुए, तो जनरली कहाँ पर, चंबल रिवर का नाम सुना होगा आपने, सन रिवर और दामोदर, यहाँ पर सबसे पहले हमारे इंडिया के अंदर क्या हुए थे, प्लेट्यू फॉर्म हुए थे। ओके, द साउथर्न पार्ट स्लोप टूवर्ड साउथ ईस्ट, मोस्ट ऑफ अस एरिया इज इन अ साउथ, हैंस इट इज़ कॉल्ड साउथर्न प्लेट्यू। ओके, कुछ कुछ ऐसे जो साउथ साइड में भी आए हुए हैं, इसलिए उनको किस नाम से जाना जाता है, साउथर्न प्लेट्यू भी कहा जाता है। एंड इज इट एज इट इज़ सराउंडेड बाई सी ऑन इट्स थ्री साइड, सो इट इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर। और पेनिनसुलर प्लेट्यू किसको बोला जाता है, जिसके तीनों तरफ क्या होते हैं, समुद्र होते हैं। ओके, जिसके तीनों तरफ क्या आए हुए होते हैं, खाली सी साइड आया होता है, यानी समुद्र किनारा होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनिनसुलर बोलते हैं। ओके, चलिए अब हमको यहाँ पे दो टाइप के दिए, उस पर मालवा दिया है, सेकेंड इज द डेक्कन प्लेट्यू। दोनों का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं मालवा प्लेट्यू। अरावली रेंजेस इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ मालवा। अरावली इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंजेस इन द वर्ल्ड। इट इज़ फ्लोडेड माउंटेन। माउंट आबू इज़ द फेमस हिल स्टेशन ऑन इट्स ऑन दिस रेंज। आपको बता दूँ मालवा प्लेट्यू जो जनरली कहाँ पर, मालवा प्लेट्यू, उसके अंदर के कुछ एग्जाम्पल हमको दिए, उसके अंदर से एक अरावली जो सबसे ओल्डेस्ट रेंजेस माना जाता है हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर। उसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल जो हमारे यहाँ पे राजस्थान के अंदर सिचुएटेड है माउंट आबू, ये भी इसका एक टाइप है मालवा प्लेट्यू का। इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट एंड अ प्लेजेंट। गुरु शिखर इज़ इट्स हाईएस्ट पीक एंड इट्स 1722 meters। ओके, आई थिंक आपने सुना भी होगा, आप लोग शायद राजस्थान गए होंगे तो आपने राजस्थान के अंदर देखा भी होगा मालवा ये गुरु शिखर, आपने माउंट आबू के अंदर देखा भी होगा गुरु शिखर। ओके, चलिए टू द साउथ ऑफ दिस रीजन द रिवर चंबल एंड अ बेतवा इमर्जिंग फ्रॉम अ विंध्याचल फ्लो टू नॉर्थ वर्ड्स एंड अ मिट रिवर यमुना वाइल रिवर सन फ्लो नॉर्थ वर्ड्स एंड मिट रिवर गंगा। आपको ये सब जनरली इसके अंदर ये चीज़ बहुत याद रखनी पड़ेंगी, ये लोग किस रिवर से निकलते थे और किस रिवर में जाके अंदर मर्ज हुआ करते थे। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है रिवर चंबल से निकल कर बेतवा और उसके बाद विंध्याचल में जाते थे, उसके बाद यमुना रिवर में, उसके बाद सन, यानी कहाँ कहाँ से इनका पानी जो फ्लो होकर कहाँ कहाँ से निकलता था। ओके, इट कैन बी नोन फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ रिवर फ्लो दैट द रीजन स्लोप नॉर्थवेस्ट। द नॉर्थन ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस सेंट्रल अपलैंड इज नोन एज अ बुंदेलखंड। बिसाइड दिस रिवर लूनी एंड बनास ऑल्सो ओरिजिनेट इन दिस अरावली रीजन इन अ नॉर्थ ईस्ट। ओके, यहाँ पे आपको एक नाम दिया हुआ है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड अगेन एक प्लेट्यू का नाम है। ओके, यानी ये हर एक स्टेट के अंदर वहाँ के लोग क्या करते हैं, अलग अलग नाम देते हैं इन लोगों को। क्लियर, जैसे मैंने आपको आई थिंक आगे के चैप्टर में बोला हुआ था कि रिवर्स के नाम हर एक स्टेट्स के अंदर हम लोगों ने क्या करे हुए हैं, अलग अलग दिए हुए हैं इस तरह से। दिस रिवर्स वैनिश इन द रन ऑफ कच्छ वाइल साबरमती एंड रही रिवर मीट द गल्फ ऑफ खंभात। फ्रॉम द फ्लो ऑफ दिस रिवर इट कैन बी असर्टेन दैट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ मालवा प्लेट्यू स्लोप टूवर्ड्स साउथ वेस्ट। राजमहल हिल एंड शिलोंग प्लेट्यू आर अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू विच ऑल्सो इंक्लूड रांची प्लेट्यू। ओके, यानी ये भी आपको इसके अंदर दिया हुआ है कि मालवा प्लेट्यू के अलावा जो हमारे यहाँ की, अगर मैं आपको रिवर्स के नाम लूँ, जैसे हमारे गुजरात की जो भी साबरमती रिवर है वो भी किसके अंदर, गल्फ ऑफ खंभात के अंदर से जो ओरिजिन होती है। क्लियर है, ये सब मालवा प्लेट्यू के एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर हमारे यहाँ पे वडोदरा में आई हुई मही रिवर, महीसागर, ओके, ये भी क्या है, मालवा प्लेट्यू का एक टाइप है। यानी इनका जो पानी का फ्लो आता है वो सब जनरली वहीं से हमको ओरिजिन हो रहा है। ओके, चलिए उसके अलावा दूसरा आता है डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू का भी मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे दूँ थोड़ा सा क्या है। डेक्कन प्लेट्यू सिचुएटेड टू द साउथ ऑफ सातपुड़ा महादेव एंड मैकल रेंजेस विच आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ मालवा प्लेट्यू। ये डेक्कन प्लेट्यू आपको जनरली कहाँ दिखाई देंगे, साउथ साइड में दिखाई देंगे हमारे यहाँ पे इंडिया में। कुछ कुछ प्लेसेस दिए हैं साउथ के, सातपुड़ा महादेव एंड मैकल रेंजेस वहाँ पे दिखाई देते हैं। द नॉर्थन वेस्टर्न पार्ट ऑफ द प्लेट्यू आर कंपोज ऑफ लावा डिपॉजिट। ये किससे बने हुए, ज्वालामुखी से। आई थिंक आप सभी को मालूम होगा वॉल्किनो से बने हुए। इसके अंदर जब भी अगर इसके अंदर कुछ भी होगा तो उसके अंदर लावा जनरली निकलेगा, और लावा निकलता तो उसके अंदर साथ साथ बहुत सारे मिनरल्स भी बाहर आते हैं, जस्ट लाइक एस कोल, पेट्रोल, ये सब चीज़ें उसमें से बाहर निकलने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे।
On the western side, its border is demarcated by a western ghat which run north-south along the Arabian Sea coast. It has several local names. It is known as Sahyadri in Maharashtra and Karnataka. Okay, इसको महाराष्ट्र के अंदर सह्याद्री के नाम से और कर्नाटक एज अ नीलगिरी इन तमिलनाडु और कर्नाटक के अंदर हम लोग तमिलनाडु के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है नीलगिरी के नाम से. एज अ अनामलाई एंड अ कार्डोमम रेजिस अलॉन्ग द बॉर्डर ऑफ केरला एंड तमिलनाडु. यहाँ पे दूसरे भी हमको प्लेटू के नाम दिए हैं अनामलाई एंड कार्डोमम. ओके, ये भी आप नाम याद रखिएगा. चलिए फिर आगे चलते हैं. जनरली द एवरेज हाइट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू रेंजेस बिटवीन 900 to 1000 मीटर. इनकी भी हाइट कुछ ज़्यादा नहीं होती है, 900 से 1000 मीटर जितनी इनकी हाइट जनरली हमको दिखाई देती है. ओके, फ्यू आइसोलेटेड हिल्स हैविंग मोर देन 900 मीटर ऑफ हाइट फ्रॉम द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ दिस प्लेट्यू. दिस इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट. इट हैज़ अ जनरली स्लोप टूवर्ड्स साउथ ईस्ट विच इज एविडेंट फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ द रिवर. यानी जनरली आप खाली इसके अंदर मैं आपको बोलूँ तो आप लोग याद सिर्फ यही रखिए कि कौन कौन सी रिवर्स आई हुई हैं इस प्लेट्यू में, तो कौन कौन से रिवर्स ओरिजिन होती है, उनकी हाइट कितनी है और ये आपको इंडिया के कौन कौन से स्टेट में आपको दिखाई देते हैं. अगर आप जनरली ये सब चीज़ें अगर लिखते हैं तो एग्जाम के अंदर आपके मार्क आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं. अगर मैं गुजरात के अंदर कुछ रिवर्स के नाम दूँ तो हमारे यहाँ पे नर्मदा और तापी रिवर है, वो दोनों ही किसके एग्जाम्पल है, डेक्कन प्लेट्यू. यानी जो दोनों ही रिवर का पानी जो आता है वो हमारे यहाँ से कहाँ से, बे ऑफ बंगाल के अंदर जो ये पानी इकट्ठा होता है इनका. यानी हमारे यहाँ के रिवर नर्मदा और तापी का जो भी पानी है वो कहाँ पर जाता है, बे ऑफ बंगाल के साथ मर्ज होता है. ओके, तो ये किसका टाइप है, एक डेक्कन और प्लेट्यू का टाइप मान सकते हैं. ओके, चलिए उसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक मेरा आता है कोस्टल प्लेन. कोस्टल यानी आपको मालूम ही होगा समुद्र किनारा, जिसको कोस्टल के नाम से जाना जाता है. तो समुद्र किनारे की अगर बात आएगी तो हमारे यहाँ पे तो हम लोग देखेंगे तो समुद्र किनारा हमारे यहाँ पे पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो साउथ में, क्योंकि साउथ के अंदर बहुत बड़े बड़े बीचेस आए हुए हैं. उसके बाद उसके अलावा हमारे यहाँ पे वेस्ट में भी बहुत अच्छे हैं, जैसे हमारा बॉम्बे, हमारा पूरा मुंबई किससे घिरा हुआ है, अरेबियन ओशियन से घिरा हुआ है. ओके, तो देख लेते हम लोग यहाँ पे कुछ दिया हुआ है. पेनिनसुलर प्लेटू सराउंडेड बाय अ नैरो एंड अ बेल्ट ऑफ अ प्लेन ऑफ कच्छ टू उड़ीसा. यानी हमारे यहाँ पे कच्छ से लेकर उड़ीसा तक समुद्र किनारा फैला हुआ है. इट इज़ इन अ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न दोनों ही तरफ हमारे यहाँ पे तो समुद्र किनारा है, वेस्ट में भी एज वेल एज ईस्ट में भी है. गुजरात से हम लोग केरला तक जाएंगे हमको समुद्र किनारा बहुत ही लंबा दिखाई देता है. इट इज़ वेरी मच अनडाउटलिंग एंड इट इज़ नोन एज अ मालाबार कोस्ट. हमारे यहाँ पे जो गुजरात से लेकर केरला तक का जो फैला हुआ है उसको नाम भी दिया हुआ है, मालाबार कोस्ट भी कहा जाता है. वेस्ट कोस्ट रिवर हैव डेवलप क्रिक्स इन द एस्टुरियस. मोस्ट ऑफ दिस क्रिक्स आर सबमर्ज वैली अंडर रिवर वाटर. दिस आर फॉर्म ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ सी सोर. इट प्रोवाइड फेवरेबल कंडीशन फॉर अ फिशरी. इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे अगर आपको फिशरी करना है तो ये सब चीज़ें हमको यहाँ पे अलाउ की गई है. तभी आपने देखा होगा हमारे यहाँ पे जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें, जैसे आई थिंक मैं आपको डायमंड्स जो हमारे यहाँ पे जो मोती रूबेल्स डायमंड्स ये सब जो आते हैं वो हमारे यहाँ पे कहाँ से निकलते हैं, समुद्र किनारे में से. आप लोगों को देखा होगा बहुत बड़ी बड़ी डॉल्फिन और ये सब होती है, उनके अंदर से जो ये हमको डायमंड्स और ये सब मिलते हैं वो सब कहाँ से, कोस्टल प्लेन में से हमारे यहाँ पे दिखाई देता है. तो कोस्टल प्लेन की अगर बात करो तो हमारे यहाँ पे तो बॉम्बे के अंदर भी है, मार्म गोवा भी है दूसरा, उसके अलावा केरला है, यहाँ सब जगह हमारे यहाँ पे क्या हुआ है बहुत ही ज़्यादा फैले हुए हैं. उसके अलावा हमारे यहाँ पे बहुत सारे रिवर्स जैसे कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, महानदी, यहाँ पे भी बहुत लंबी दूरी तक क्या हुए हैं ये लोग फैले हुए हैं है. तो इस तरह का कोस्टल प्लेन यानी इस तरह का समुद्र किनारा हमारे इंडिया को मिला हुआ है. ओके, चलिए एंड लास्ट में आता है फिफ्थ वन, आर्किपेलागोस. आर्किपेलागोस यानी हमारे यहाँ पे जो टापू आए हुए हैं. ओके, जिनको हम लोग आइलैंड के नाम से भी जनरली जानते हैं, जैसे हमारे इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब. आई थिंक यहाँ पे क्या होता है जो पब्लिक होती है वो पॉपुलेशन आपको ज़्यादा नहीं दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ पे आपको चारों तरफ एक ही चीज़ दिखाई देगी, वाटर ही वाटर आपको सब जगह दिखाई देगा. क्लियर है? चलिए तो हमारे इंडिया के अंदर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसे बहुत सारे आर्किपेलागोस आए हुए हैं. उसके अलावा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है आइलैंड इन लक्षद्वीप एंड देयर लोकेटेड इन सम डिस्टेंस ऑफ केरला कोस्ट. दिस आइलैंड हैव अ हॉर्स शो शेप. इनका जो शेप होता है आर्किपेलागोस का वो एक कैसा घोड़े के आकार जैसा दिखाई देता है आपको. ओके, सच कोरल आइलैंड आर कॉल एटोल्स. इनको किस नाम से जाना जाता है, एटोल्स के नाम से भी जाना जाता है. अगर आप शायद थाईलैंड या कहीं घूमने गए भी होंगे बाई चांस तो आप लोगों ने वहाँ पे आर्किपेलागोस बहुत सारे दिखाई देते हैं. अंडमान निकोबार आइलैंड आर सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल. हियर द नंबर ऑफ आइलैंड इज ऑल्सो मोर एंड देयर आर सिचुएटेड वेरी फार फ्रॉम इंडियन कोस्ट. ओके, अंडमान निकोबार जो हमारे यहाँ पे कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल के बहुत ही पास में है. ओके, वहाँ से आपको जनरली आर्किपेलागोस बहुत ही अच्छे अच्छे टाइप के अलग अलग साइज के दिखाई देंगे आपको. दिस आइलैंड आर स्प्रेड ओवर 350 किलोमीटर. एक्चुअली इनकी जो साइज़ होती है बहुत ही लंबी होती है, यानी कम से कम हमारे अंडमान निकोबार का जो आर्किपेलागोस कम से कम 350 किलोमीटर जितना फैला हुआ है. उसके अलावा तो ऐसे हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप इसके अंदर मेंशन कर सकते हैं. क्लियर है क्या बोलूँ मैं? ओके, चलिए एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारे यहाँ पे आता है रॉक्स. रॉक्स यानी अलग अलग प्रकार के पत्थर. तो यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिया हुआ है कि हमारे यहाँ पे रॉक कौन कौन से टाइप के होते हैं. तो आपको तीन टाइप के रॉक दिए हुए हैं, इग्नेशियस, स्ट्रेटिफाइड, मेटामॉर्फिक.
इग्निशियस के अंदर भी दो टाइप के आते हैं, इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव। इंट्रूसिव के अंदर आता है प्लूटोनिक, हाइबरबेशल एंड एक्सट्रूसिव में आता है वॉल्केनिक। इसी तरह स्ट्रेटिफाइड के तीन टाइप हैं, इनऑर्गेनिक, केमिकली एंड ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के अंदर वापस तीन, एरेकेनियस, एर्कियोलॉजिकल्स, कॉन्ग्लोमेरेट। ओके, ये आता है केमिकली फॉर्म में, एक भी नहीं आते हैं। ऑर्गेनिक के अंदर कैलाकेरियस एंड कार्बनेशियस ये आते हैं, जबकि मेटामॉर्फिक के अंदर कॉन्टैक्ट एंड रीजनल इस तरह से आते हैं। एक्चुअली हमको यहाँ पे पूरा इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया हुआ है, पर मैं आपको कुछ हद तक अगर मैं आपको बताऊँ तो तीनों के बारे में मैं आपको ईजिली थोड़ा समझा देता हूँ। इग्निशियस रॉक अगर मैं आपको बोलूँ तो इग्निशियस नाम से आपको मालूम पड़ रहा है, इनको गुजराती में क्या बोलते हैं, अग्नि वाली चट्टाने बोलते हैं, अग्नि वाली। यानी इसके अंदर जनरली क्या होता है, इनके नाम से मालूम पड़ रहा है इग्निशियस, यानी ये बहुत ही गर्म होते हैं, इसके अंदर से आग निकलती होती है। आई थिंक आप लोगों ने कभी देखा होगा हमारे यहाँ पे सड़क बनती है तो सड़क के ऊपर पता है वो पत्थर जो रखे जाते थे सड़क को मजबूत बनाने के लिए, जिसको अपने टकराते तो उसमें से क्या होती है, चिंगारी निकलती है, जो पहले के आदिवासी लोग यूज़ करते थे किसके लिए, फायर के लिए यूज़ किया करते थे, दे आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक। ओके, तो यहाँ पर हमको दिया हुआ है। अर्थ के बहुत ही इंटीरियर से दिखाई देते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं, इसी कारण इनको एक नाम भी दिया हुआ है, मैग्मा इनको बोला जाता है, इनको मैग्मा के नाम से भी जाना जाता है। और जनरली इनका यूज़ हम लोग कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, मैंने आपको जैसे बताया कि रोड बनाने के अंदर इसका यूज़ होता है। आजकल तो कितने लोग अपने जो बड़े बड़े राजमहल राजस्थान के अंदर आपने देखेंगे, बहुत बड़े बड़े जो महल बने हैं वहाँ पर इग्निशियस रॉक का यूज़ हुआ है। तो हमारे यहाँ पर राजस्थान MP और साउथर्न पार्ट में इसका ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ओके, चलिए सेकंड आता है मेरा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स यानी बहुत ही नॉर्मल पत्थर होते हैं, इनको सेडिमेंट्री रॉक के नाम से भी जाना जाता है। ये जनरली आपको पानी के अंदर से आपको दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि सेडिमेंट्री आपको बोल लूँ तो मैं, ज़्यादा चमकीले पत्थर होते हैं, बहुत ही शाइनिंग मारते हैं। आप कभी कभी रिवर पर गए होंगे या तो आप समुद्र किनारे पर कभी देखा होगा तो वहाँ पर आपको स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जनरली दिखाई देंगे। और स्ट्रेटिफाइड रॉक का एक फ़ायदा ये होता है कि इसको जब तोड़ा जाता है तो उसके अंदर हमको बहुत सारी मेटल्स मिलती हैं, जस्ट लाइक जिप्सम है, लाइमस्टोन है, कोल है, यानी बहुत सारी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आपको दिख सकती हैं। जो आपको जनरली अगर आपको देखना है तो स्ट्रेटिफाइड रॉक आपको सबसे ज़्यादा बिहार, झारखंड यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखाई देगी। ओके, चलिए एंड थर्ड पॉइंट मेरा आता है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक की अगर मैं बात करूँ तो मेटामॉर्फिक रॉक भी जनरली बहुत ही नॉर्मल होते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक का यूज़ तो हम लोग घर के अंदर भी जनरली कर रहे हैं, यानी हम लोग घर के अंदर जो फ्लोरिंग और ये सब लगाते हैं वहाँ पे हम लोग मेटामॉर्फिक का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अपने घर के अंदर अपने मार्बल, क्वार्ट्साइट्स, ये सब जो हम लोग लगवाते हैं घरों के अंदर, मंदिरों के अंदर आपने देखे होंगे, वो जनरली क्या होते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक माने जाते हैं, जो हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर राजस्थान में बनते हैं। ओके, चलिए एंड नेक्स्ट मेरा टॉपिक आता है मिनरल्स, वो भी आपको बता दूं मैं। मिनरल्स आपको मालूम है कि अर्थ के क्रस्ट में से जब हम लोग डिग करते हैं, डिग करना यानी खड्डा जब हम लोग खोदते हैं तो उसके अंदर हमको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ पे हमको कुछ मिनरल्स के टाइप दिए हुए हैं, पहला है मेटालिक, दूसरा है नॉन मेटालिक, तीसरा है एनर्जी रिसोर्स मटेरियल। ओके, आपको ये यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक करके मैं आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दूँ। ओके, तो हमारे यहाँ पे जो मेटालिक मिनरल है, मेटालिक के अंदर भी आपको दिया हुआ है प्रीसियस, लाइट मेटालिक, मिनरल ऑफ जनरल यूज़, मिनरल यूज़ एलॉय, इस तरह का आपको दिया हुआ है। तो प्रीसियस के अंदर आपको मालूम होगा गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम आता है। लाइट के अंदर मैग्नीशियम, बॉक्साइट, टिटेनियम आता है। जनरल यूज़ के अंदर हमारे घर पे जो हम लोग यूज़ करते हैं आयरन, कॉपर, लीड, जिंक, इसका यूज़ करते हैं हम लोग। एंड फोर्थ वन आता है जो एलॉय। अब एलॉय आपको ये माइंड में क्वेश्चन आ रहा है, सर एलॉय यानी क्या होता है? तो एलॉय का मैं आपको मीनिंग बता दूँ, एलॉय यानी क्या होता है, दो मेटल को इकट्ठा करना। दो मेटल को जब इकट्ठा करके कोई चीज़ बनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एलॉय। जैसे क्रोमियम, मैग्नीज, टंगस्टन, वैनेडियम, ये सब एलॉय के एग्जांपल हैं। ओके, उसी तरह नॉन मेटालिक, तो नॉन मेटालिक के अंदर क्या, जिसके अंदर मेटल नहीं होते हैं, जो आई थिंक बहुत इजीली टूट सकते हैं, जैसे लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, चौक है, एस्बेटॉस है, मिका है, फ्लॉस्फर है, जिप्सम है, सल्फर है, डायमंड है, ऐसी बहुत सारी मेटल्स आती है जिसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, नॉन मेटल में यूज़ करते हैं। ओके, एंड थर्ड आता है हमारे यहाँ पे एनर्जी रिसोर्स, जिसका यूज़ हम लोग किसके लिए कर रहे हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। तो देखिए आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, कोल, कोयले से हम लोग बिजली पैदा कर रहे हैं, मिनरल ऑयल का यूज़ कर रहे हैं, नेचुरल गैस, यूरेनियम, थोरियम का हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और जो नीचे का आपको एक यहाँ पे टेबल दिया हुआ है, ये टेबल आपको ये इंडिकेट कर रहा है कि हमारे यहाँ पे जितनी भी ये मेटल्स हैं वो आपको किस किस स्टेट से आपको मिलती है। जैसे आयरन आपको कहाँ से मिलता है, मैग्नीज, कॉपर, बॉक्साइड, लीड, मिका, लाइमस्टोन, ये सब आपको कहाँ से मिलता है, उसका आपको डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? तो आज के जो टॉपिक के अंदर ये जितने टॉपिक थे मैंने सभी इसके अंदर इंक्लूड कर लिए हैं। अभी भी हमारा एक लास्ट टॉपिक रहता है सॉइल फॉर्मेशन एंड टाइप्स ऑफ सॉइल, जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर।